वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। जन्म देने वाली माँ और जन्म लेने के बाद माँ एवं संतान का भरण पोषण करने वाली धरती माँ से बढ़कर संसार में भला और कौन हो सकता है। जन्मदात्री माँ की सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ और मातृभूमि किसी व्यक्ति के जीवन की वह अनमोल निधि है जिसके आगे तीनों लोकों का सुख सहर्ष न्योछावर है। माँ शब्द से ही किसी बालक का इस दुनिया में पहली बार बोल फूटता है। इसके बाद ही वह अपने अन्य विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। ममतामयी आंचल एवं दुलार भरी गोद किसी भी व्यक्ति की सारी व्यथाओं को हर लेती है। माँ के हृदय से अधिक विशाल एवं उदात्त हृदय इस दुनिया में किसी का संभव नहीं। एकमात्र माँ ही निस्वार्थ भाव से अपने बालक पर अपना सारा दुलार न्योछावर कर देती है। वैसे भी माँ की ममता अन्य सभी से 9 माह अधिक होती है। माँ की ममता की छांव और उसके पनाह देने की उदारता इतनी व्यापक एवं गहरी होती है कि हम अपने रहने की भूमि को मातृभूमि की संज्ञा देते हैं, उसे धरती माँ कहकर पुकारते हैं, उससे अपनापन एवं आत्मीयता व्यक्त करने के लिए उसे भी माँ के विशेषण में विभूषित करते हैं, यानी जो हमें सर्वप्रिय है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्मीय है, वह कोई और नहीं बल्कि माँ है। और इसी का विस्तार धरती माँ या मातृभूमि है। अथर्ववेद में लिखा गया है कि अर्थात पृथ्वी माता है और हम उसके पुत्र हैं। अथर्ववेद का यह मंत्र माँ की महिमा से जोड़कर ही पृथ्वी की गरिमा का गान करता है और साथ ही साथ माँ एवं मातृभूमि की व्याख्या भी करता है। यही देशभक्ति का मूल मंत्र भी है, क्योंकि जिसने अपने देश की भूमि को माता मान लिया वह उसकी सुरक्षा एवं सम्मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान ही करेगा ही। माँ एवं मातृभूमि से प्रेम करने वाले को न तो पत्नी के आंसू रोक पाते हैं और न ही संतान का स्नेह खींच पाता है। उसे न तो राजभवन का सुख लुभाता है और न ही तलवार की नोक की चुभन ही सताती है। वह घोड़े की पीठ पर सोता है, घास की रोटियां खाता है और हर घड़ी सर से कफन बांधे रहता है। जो व्यक्ति माँ एवं मातृभूमि के लिए कुर्बानी देता है, ऐसे व्यक्ति को देवता भी सिर झुकाकर नमन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अर्थात जननी एवं जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठतर होती है। माँ जन्म देती है और मातृभूमि लालन पालन करती है, अर्थात कई अर्थों में माँ से भी अधिक महत्व मातृभूमि को दिया जाता है, क्योंकि मातृभूमि अपनी संतान एवं उसे जन्म देने वाली माँ दोनों का लालन पालन
ताउम्र करती है। माँ एवं मातृभूमि का व्यक्ति पर अनंत उपकार होता है। ये दोनों स्वयं अत्यंत कष्ट सहकर भी अपनी संतानों की रक्षा करती हैं। माँ अपने खून से सींचकर अपनी संतान को आकार देती है, उसे इस दुनिया में अवतरित करती है और मातृभूमि अपनी छाती को फोड़कर निकले अनाज से अपनी संतानों का ताउम्र भरण पोषण करती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी जन्मदात्री एवं भरण पोषण करने वाली के प्रति ऋणी नहीं है तो उसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि वास्तव में मातृ प्रेम एक नैसर्गिक उदात्त भाव है जो देश की मिट्टी का संबोधन सुनते ही चैतन्य हो जाता है। राष्ट्रीय झंडे को देखकर ही तरंगित हो उठता है, राष्ट्रगान को सुनकर ही रोम रोम आनंदित एवं रोमांचित हो उठता है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम की नैसर्गिकता हमारे रोम रोम में प्रवाहित होती है। स्टॉप।